नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह का अनूपपुर जिले में हुआ धारा। अनूपपुर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेसियों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन देख के भाजपा में मचा हड़कंप। यही आज उपचुनाव किसी के हार जीत का नहीं है। आप विश्वनाथ को जिताएंगे, वो तो आप जिताएंगे, वो तो घर में जाएंगे, पर भविष्य का क्या होगा? क्या हम स्वीकार कर लेंगे कि ये राजनीति अपने देश में बिकाऊ की चाहती? सौदा कर लो, बोली बोल लो, सरकार बना लो। ये आज जो सच्चाई है नौजवानों, मैं तो आपसे कहता हूं ये आपका भविष्य है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर नौजवानों आपको सोचना है किस प्रकार ये बिकाऊ राजनीति, प्रवेश कर रही है धीरे धीरे अपने मध्य प्रदेश में। अपने मध्य प्रदेश कितना कलंकित हुआ पूरे देश भर में, सब कहते हैं पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में तो सब कुछ बिकाऊ होगा। अगर उनके नेता बिकाऊ हुए तो सभी बिकाऊ हुए हैं। ये आज मध्य प्रदेश को किस तरह कलंकित किया। 2018 में मैंने शपथ ली थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार आम जनता ने वोट देके बनाई थी। शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रदेश सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। आप देख रहे हैं आज भी कितना बलात्कार हो रहा है, कैसी छूट है महिलाएं, माता और बहनों आपको ये बात समझ नहीं है। शिवराज सिंह ने ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां कौन सी चुनौती नहीं थी। हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है, तो ये हालात हमारे कृषि क्षेत्र जहां किसानों की आत्महत्या रोज होती थी। मैंने शुरुआत करी थी किसानों का कर्जा माफ करे, शुरुआत करी थी, और शिवराज सिंह जी जितना भी झूठ बोल लो आप, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ इस केस में। और होने जा रहा था बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। ये नौजवान खड़े अभी नारे लगा रहे, जिंदाबाद कर रहे थे नौजवान। आप हिसाब दीजिए 15 साल का, कितने झूठ बोले, कितनी घोषणाएं करी। शिवराज जी आप तो घर बिठाया था, सौदा करके आपके गवर्नमेंट बना ली। ये आज प्रश्न हमारे सामने, कौन सा पाप करी किया, कौन सी गलती मैंने करी थी। 15 महीने सरकार रही, 2.5 महीने गए आचार संहिता, और लोकसभा चुनाव में 1 महीना गया सौदाबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने। मैंने कहा कि हम शुद्ध का युद्ध करेंगे, मैंने कहा किसानों को हम का बिजली का रेट आधा करेंगे, करा। मैंने कर्जा माफ का शुरुआत करी, कौन सा पाप करे किया। मैं नौजवानों के भविष्य की लड़ाई लड़नी शुरू करी थी, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, कौन सा पाप मैंने किया। तो ये प्रश्न आप सबके सामने है। मैंने पेंशन बढ़ाई कि हमारे बुजुर्गों को अच्छी पेंशन मिले, कौन सा मैंने पाप किया था, मैं तो ये पूछना चाहता। ये तस्वीर आप सबके सामने है। और नौजवानों, माता और बहनों, आज आपको अपना भविष्य सुरक्षित रखना। ये हमारे उम्मीदवार विश्वनाथ
ये भविष्य का चुनाव नहीं है, विश्वनाथ सिंह जी के भविष्य का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आप कैसा नक्शा बनाना चाहते हो, कैसा प्रदेश चाहते हो, ये चुनाव में आप तय करेंगे नौजवानों का भविष्य क्या होगा। इस चुनाव में आप तय करेंगे कि हमारी माता और बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी। ये इस चुनाव के मुद्दे हैं। आपका ध्यान मोड़ने आएंगे। मैंने देखी फोटो, नोट मांग सबने देखी, ना पैसे बांट रहे हैं, यही बचा है बीजेपी के पास। पर बीजेपी समझती नहीं कि नेता बिकाऊ हो सकते हैं, यहाँ के वोटर बिकाऊ नहीं है और आदिवासी समाज बिकाऊ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी समझ जाइए। पैसे बांट लेना, सौदा कर लेना, नेताओं को खरीद लेना, पर वोटर को नहीं खरीद पाओगे। आज हमारा जो मतदाता है समझदार है, आज के नौजवान समझदार हैं। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको 3 तारीख को ये फैसला करना है। पहली तारीख से ये तंबू नहीं रहेगा, ये झंडे नहीं रहेंगे, ये मंच नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे नौजवान तो रहेंगे, हमारे मजदूर तो रहेंगे, हमारी माता और बहनें तो रहेंगी।